आज की मिठाई की रेसिपी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल आपके बजट में होगी। सुंदर, स्वादिष्ट, आसान और बहुत हेल्दी तीन चीजों से तैयार मिठाई, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर, बिना नारियल पाउडर के ही आप आसानी से बना लेंगे। ये मिठाई आपको काजू कतली का स्वाद देगी, मात्र 50-60 रुपए के खर्च में बन जाता है। एक बार जरूर ट्राई करें। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मूंगफली। कप से नापे तो 2 कप मूंगफली। बाजार में भी रोस्टेड मूंगफली मिलते हैं बहुत आसानी से और हम घर में भी रोस्ट कर सकते हैं, तो मैंने घर में ही रोस्ट किया है। तो अभी हम फटाफट मिठाई बनाते हैं। तो मूंगफली को मिक्सी के जार में डाल के हमें पीसना है। तो मूंगफली को मसाले की तरह बिल्कुल भी नहीं पीसना है, आपको 2 सेकंड के लिए पीसना है फिर रुक जाना है, फिर 2 सेकंड के लिए पीसना है फिर रुक जाना है। अगर आप लगातार पीस दीजिएगा तो मूंगफली से अपना तेल निकलने लगेगा और मिठाई पूरी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से हम काजू कतली के लिए काजू पीसते हैं ना दोस्तों, बस वैसे ही पीसना है। 2-2 सेकंड पे रुक के मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। तो बस 30 सेकंड के लिए हमने पीस लिया है और जब आप इसे हाथ से छुएगा ना तो आपको बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं लगेगा, हल्का दरदरा रहेगा। अगर आप ज़्यादा भी मिक्सी चला लीजिएगा तो मूंगफली से तेल बाहर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्राई हुआ है। अब हम छानेंगे, तो स्ट्रेनर पे रख करके हम छान लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इस तरीके से चम्मच से ज़रूर चलाएं, ज़्यादा अच्छा हाथ से होगा। इस तरीके से आप कीजिएगा ना तो पाउडर नीचे गिर जाएगा और दाना वाला मूंगफली ऊपर रह जाएगा। देखिए दोस्तों कितना दरदरा मूंगफली है। इसे हम दूसरे प्लेट पे रख लेते हैं और फिर से हम जो बचा हुआ पाउडर है मूंगफली का इसे इसी तरीके से छान लेंगे। देखिए दूसरी बार छानने से इतना दरदरा मूंगफली फिर से निकला है। अब हम मिक्सी के जार में फिर से डालते हैं और ये जो हमने साइड में रखा इसे भी डाल दीजिए और बस 10 से 15 सेकंड के लिए 2-2 सेकंड पे रोकते हुए फिर से पीस लीजिए। सेकंड टाइम भी पीस लिया है। फिर से छन्नी रख के छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बार पीसने से हल्का हल्का आपको चिपचिपा सा दिख रहा होगा, हल्का सा मूंगफली से तेल निकला है, तो आपको हाथ से ही इस तरीके से करना है धीरे धीरे। तो देखिए हमने दूसरी बार भी छान लिया है और ये जो दरदरा मूंगफली है अब तीसरी बार अगर आप पीसिएगा तो बहुत तेल निकल जाएगा जिससे हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। इसमें आप अदरक, लहसुन, मिर्ची डाल के चटनी बनाइए, एक नंबर बनेगा। इसका हम मिठाई में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ हमारा पीनट पाउडर तैयार है। चलिए अब हम मिठाई बनाते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हम चाशनी बनाएंगे, बहुत आसान है बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप प्लस 4 चम्मच यानी 1/4 कप। ग्राम में देखें तो 100 ग्राम चीनी। अब जितना हमने चीनी लिया है उतना ही पानी डाल दें। चीनी पानी का मात्रा बराबर होगा, फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इस तरीके से चीनी को घुलने दीजिए। चीनी घुलना शुरू हो गई है, फ्लेम को मीडियम ही रखें और 5 मिनट तक पका लें। जैसे ही एक तार बनने लगे फ्लेम को बंद कर दें। चीनी पकते हुए 4 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से चाशनी गाढ़ी होने लगी है। गैस को कर देना है बंद। देखिए चूल्हा बंद है और बंद फ्लेम पे हम अपने पीनट पाउडर यानी मूंगफली का पाउडर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि चाशनी बहुत तेजी से गाढ़ी होती है तो ठीक से मूंगफली पाउडर मिल नहीं पाएगा। तो मिठाई अच्छी बने इसलिए फ्लेम बंद करके ही हम मिलाएंगे और बहुत आसानी से मिल जाएगा, जरा भी गुलठी नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से डालिए और मिलाइए। देखिए 3 बार करके मैंने सारे पाउडर को डाल दिया है, कितने अच्छे से मिल गया है। और जब मिल जाएगा ना तब हम फ्लेम ऑन करेंगे। ऑन कर लिया, फ्लेम लो रखिए और लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए बस पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरीके से हम थोड़ा पका लेते हैं। मूंगफली में बहुत तेल होता है तो ये खुद का तेल भी है और ये शुगर सिरप भी है।
तो इस तरीके का हमें डो चाहिए। फ्लेम को कर दीजिए बंद, बस 2 मिनट घड़ी देख के ही पकाइएगा, इससे ज़्यादा सुखाइएगा तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। अब इस मिश्रण को कर दीजिए 2 भाग में, आधा आधा, और एक भाग को एक प्लेट में निकाल लीजिए और दूसरे भाग में हम डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर। देखिए बस 1 चम्मच। अगर आप कोको पाउडर यानी चॉकलेट फ्लेवर में नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे रंग बिरंगे गुड क्वालिटी का फूड कलर डाल सकते हैं। बस 1 चम्मच डालना है और इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो देखिए चम्मच से मैं किस तरीके से मिला रही हूँ, और जब मिलेगा ना तब बहुत स्मूथ हो जाएगा। जब हल्का ठंडा हो जाए तो आपको अपने हाथ से मिलाना है, मिलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों कि एक तार की चाशनी बनने से पहले ही आपको इसमें मूंगफली का पाउडर मिलाना है। अगर गलती से चाशनी थोड़ा हार्ड हो जाए तब भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ऊपर से 1 चम्मच आधा चम्मच करके दूध मिला लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम जब मैश करेंगे तो ये स्मूथ होगा और मूंगफली से अपना तेल बाहर आएगा। अब देखिए कितना अच्छा चिकना डो हो गया है, इसे हम साइड रखिए। और ये जो हमने वाइट मिश्रण रखा है तो अभी आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत कड़ा सा हो गया, लेकिन बिल्कुल ही घबराइएगा। इस तरीके से क्रम्बल कर ले, हाथ से ऐसे फैला ले। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, 4 हरी इलायची को कूट के पाउडर बना लिया है तो हरी इलायची पाउडर हो गया। साथ में 10-15 पिस्ते को मैंने बारीक काट लिया है, आप नहीं भी डाल सकते या फिर पिस्ता के बदले बादाम डाल सकते हैं। सारी चीजों को हम हाथ से मिला लेते हैं। व्हाइट वाला मिश्रण जो है, क्रीम वाला मिश्रण, ये भी डो की तरह हो जाएगा। ये काम हमें जब हल्का गर्म होना तभी करना है। तो देखिए इसे भी हमने मैश कर लिया है और स्मूथ हो चुका है, मूंगफली का खुद का चिकनाहट बाहर आ गया है। तो जितने अच्छे से आप मैश कीजिएगा उतना ही सॉफ्ट डो होगा। अब ये तैयार है, अब हम मिठाई को आकार देंगे। तो किचन सरफेस को साफ कर लीजिए और हाथ से हम इस तरीके से चिकना कर लेते हैं। हाथ से इस तरीके से कर लें तो देखिए कितने अच्छे से गोल हो रहा है, और आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाइएगा। देखिए चारों तरफ से, मैं इसे स्क्वायर शेप दूंगी इसलिए चारों तरफ से रेक्टेंगल कर रही हूँ। ये तैयार है, इसे अभी साइड रखिए। और ये जो हमने चॉकलेट मिश्रण तैयार किया था ये फिर से सूख गया, जैसे ठंडा होगा ना तो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, हाथ से इस तरीके से मैश कीजिएगा तो फिर से चिकना हो जाएगा। देखिए किस तरीके से चिकना हो रहा है, एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। तो देखिए फिर से चिकना हो गया है। अब आप कोई प्लास्टिक या फिर बटर पेपर या फॉइल पेपर लीजिए, उसमें इस तरीके से और बेलन से हम बेल लेते हैं हल्के हाथ से, चारों तरफ घुमाते हुए। तो एक बार इस तरीके से रख के चेक कर लीजिए, तो हल्का सा हम सटा देते हैं यानी चिपका देते हैं और लंबाई में बस बेलते हैं। तो पराठे जितना पतला बेला है, और अब इस तरीके से रखिए और हमें फोल्ड करना है। तो देखिए ऐसे हम दाबेंगे और चिपकाते जाएंगे फॉइल पेपर के ऊपर से। देखिए किस तरीके से चिपक रहा है, फिर से फोल्ड कीजिए और ऐसे चिपका लीजिए, फिर से फॉइल पेपर के साथ रोल कीजिए और इसे खींचते भी जाइए और ऐसे चिपका लीजिए। देखिए किस तरीके से चिपक रहा है, फिर से हम फोल्ड कर लेंगे और ऐसे चिपका देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हुआ है, देखिए कितना आसान है। साइड का पार्ट को आप काट सकते हैं या फिर इसी में चिपका सकते हैं। तो मैं ऐसे दाब देती हूँ, लपेट करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं। चारों तरफ से इस तरीके से करके मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ।
आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है, आप डीप फ्रीजर में भी जमा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिल्वर वर्क रखा है और इस तरीके से इसके ऊपर मैं चढ़ा देती हूँ। दोस्तों मेरे पास था इसलिए बस मैंने लगा दिया है। और अब हम किनारों के दोनों तरफ से काट लीजिए और अब हम धीरे धीरे चाकू से पीस काट लेते हैं। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता काटना है और जब जब काटे चाकू को साफ कर लीजिए। देखिए मैं किस तरीके से दबाव देते हुए काट रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता काटना है। तो इसी तरीके से हमें धीरे धीरे दबाव देते हुए काट लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर मिठाई लग रहा है। बीच में हमने पिस्ता डाला है, कलर देखिए चारों तरफ चॉकलेट का फ्लेवर और सिल्वर वर्क से सजाया है, तो बिल्कुल लग रहा है ना कि बाजार से आया हुआ मिठाई है। पूरी तरीके से ड्राई है दोस्तों। मिठाई बनाने में आपको लगेगा कि हाँ आज मेहनत किया है, पर टेस्ट आपको काजू कतली से कम नहीं लगेगा। मूंगफली के सारे पीस बहुत ही अच्छे से निकले हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट, परफेक्ट, हेल्दी, सस्ते में, बिल्कुल आपके बजट में मिठाई। एक बार बनाइए और एक महीने तक खाते रहिए इस सुंदर, स्वादिष्ट, लाजवाब मिठाई को। तो मैं आपको तोड़ के इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो देखिए काटे है ना हम, तो उसी से आपको पता चल रहा होगा, देखिए कितने अच्छे से ड्राई हुआ है। देखिए पूरी तरीके से ड्राई है, कहीं से गीला गीला नहीं है। हमने ना मिल्क पाउडर डाला, ना नारियल पाउडर डाला, सिर्फ मूंगफली चीनी से बना के तैयार किया है और थोड़ा सा कोको पाउडर डाला है जो ऑप्शनल है। देखिए एक बार ज़रूर बनाएं, कैसा बना बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।